कांग्रेस पार्टी प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार और जयराम सरकार बिना सोचे समझे काम कर रही है, जो जनता सरकारी मुलाजिमों के लिए हताशा का कारण बनी हुई है। कोरोना संकट के दौरान फ्रंट लाइन में लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों के वेतन में कटौती किए जाने पर सुनील शर्मा ने निंदा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार को चाहिए था कि निस्वार्थ भाव से महामारी के नाजुक दौर में सेवा दे रहे डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए किसी योजना का गठन करे, परंतु सरकार के द्वारा डॉक्टरों के वेतन में कटौती करना एक बहुत ही शर्मनाक बात है। उन्होंने जयराम सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार के द्वारा जो बिना सोचे समझे काम किए जा रहे हैं, उनका जवाब जनता 2022 में जरूर देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अनुबंध पर लगे डॉक्टरों के साथ खड़ी है और जयराम सरकार के द्वारा किए गए तुगले की फरमान का विरोध करती है। उन्होंने जयराम सरकार को आगाह करते हुए कहा कि कोरोना संकट के दौरान फ्रंट लाइन में लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों के वेतन को काटना तर्कसंगत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जयराम जी के जो तुगलकी फरमान है वो ये दर्शाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार बिना सोचे समझे ऐसे काम कर रही हैं जो कि जनता के लिए, सरकारी मुलाजमों के लिए बिल्कुल हताशा का कारण बने हुए हैं। बड़े दुख की बात है कि एक तरफ जहां डॉक्टर्स जो हैं इस महामारी के नाजुक दौर में अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, हालांकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो काबिले तारीफ नहीं हैं, यकीनन पूरी भी नहीं है, उसके बावजूद भी डॉक्टर्स जो है अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। और ऐसे समय में जबकि उनके हौसला बढ़ाने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स को अच्छा करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। बड़ी हैरतअंगेज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ये आदेश दिए हैं कि डॉक्टर्स की तनख्वाह काटी जाएगी, जो अनुबंध के ऊपर चिकित्सक काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह काटी जाएगी। बहुत ही शर्म और निंदा का विषय है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की, अपने ही द्वारा किए गए सूचना को वो अपने ही कलम से काट देते हैं, कहा कि जनवरी महीने में जनवरी से लेकर के अब तक जो तनख्वाह उनको बढ़ा कर के दी गई है या उनके अधिकारों के अनुरूप दी गई है, वो जनवरी से उस तनख्वाह की रिकवरी होगी और आने वाले समय में उनकी तनख्वाह को काट लिया जाएगा। तो मेरा मुख्यमंत्री जयराम से एक आगाह है और जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता जो है 2022 में आपके जो तुगलकी फरमान हैं और जो बिना सोचे समझे आप कार्य कर रहे हैं उसका जवाब देगी। और मैं अनुबंध के जो डॉक्टर हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और इस आदेश का, इस फरमान का, तुगलकी फरमान का हम विरोध करते हैं और जयराम सरकार को आगाह करते हैं कि अपने इस फैसले को वापस लें, क्योंकि डॉक्टर जो हैं इस वक्त अपने जीवन की परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रही हैं और उनको और हौसला बढ़ाया जाए और उनकी तनख्वाह काटना बिल्कुल भी उचित नहीं।